हेलो एवरीवन। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के अरेज के बारे में बात करेंगे। अरेज का यूज़ प्रोग्रामिंग में हर जगह होता है, चाहे वो लिस्ट हो या फिर कुछ और। तो चलो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अरे होता क्या है। तो अरे एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें हम वैल्यूज को एक ऑर्डर में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो एक कलेक्शन जिसमें हम वैल्यूज को किसी ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं और बहुत इजीली ओ ऑफ वन टाइम में इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अरेज क्या होते हैं? सिंपली ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। इसको एग्जांपल देता हूँ स्ट्रेट। अभी हम अपने कोड एडिटर में जाएंगे, एक नया लेक्चर यहाँ पे बनाएंगे और एक index.js फाइल में बनाऊंगा, ठीक है। तो index.js फाइल बनाने के बाद मैं एक index.html फाइल भी बना देता हूँ, ठीक है। एंड इसको फटाफट से लिंक कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा index.js एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट। तो जब आपको अरे बनाना होता है तो क्रिएटिंग एंड अरे, तो जब आपको अरे बनाना है तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। जैसे मैं इसके अंदर फ्रूट्स के नाम स्टोर करना चाहता हूँ, एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, यहाँ पे लिखा मैंने बनाना और यहाँ पे लिखा मैंने चेरी। तो ये एक एरे है या फ्रूट्स एक एरे है जिसमें हम अलग अलग फ्रूट्स के नाम को स्टोर कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम एक्सेस कैसे करेंगे अरे के अंदर, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करोगे। तो अरे के हर एलिमेंट को हम उनके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक फ्रूट्स नाम का अरे बनाया, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल, यहाँ पे मैंने लिखा बनाना और यहाँ पे लिखा मैंने चेरी, राइट। ऐसा कुछ मैंने बनाया। तो ये हमेशा याद रखना है, इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है। तो यहाँ पे ये जीरो इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ये सेकंड। लेट्स से मुझे इसको प्रिंट कराना है तो मैं सिंपली इस एलिमेंट को फ्रूट्स फिर स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे इसका इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log fruits 1 और इसको सेव कर दूँ और अपनी HTML फाइल को यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके अगर मैं गो लाइव ओपन विद लाइव सर्वर, जो हमारा लाइव सर्वर एक्सटेंशन है उसका यूज करके अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको कॉन्सोल पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपना कॉन्सोल खोलना है। आप राइट क्लिक करके भी खोल सकते हो, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट और फिर कॉन्सोल खोल सकते हो वैसे भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बनाना आ चुका है। अगर इसको मैं पूरे स्पेलिंग से ही कर दूँ तो यहाँ पे देखो बनाना आ चुका है। और एक और बात, अगर आपके सिस्टम्स में Node.js इंस्टॉल्ड है तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे भी चला सकते हो। सीधा आपको बस इतना लिखना है node.index.js एंड दैट्स इट, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये मेरी कोई और फाइल एग्जीक्यूट हो गई, अगर मैं यहाँ पे सिंपली रन करता हूँ इसको तो तुम देख सकते हो यहाँ पे बनाना प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर उसके लिए Node.js इंस्टॉल होना जरूरी है तो जिनका है उनको जरूरी नहीं है, उनको ब्राउजर खोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अभी मैंने Node.js कैसे इंस्टॉल करते हैं ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो हम ब्राउजर में ही अपना ऐसी अभी सेटअप रखते हैं। फिर बाद में एक वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे हम Node.js को भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। चलो अब हमको ये समझ में आ गया कि अरे कैसे बनाया जाता है और हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं एक एलिमेंट को, ठीक है। तो हम थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, थोड़े बहुत कोडिंग एग्जांपल्स देखेंगे और इन्हीं एग्जांपल्स से हम समझेंगे कंसेप्ट को। ये टर्मिनल में बंद कर देता हूँ। अब मुझे ये समझना है कि अगर मैंने एक बार अरे बना दिया इसमें तो क्या मैं इसकी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। अरेज में चेंजेस करना इस जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत आसान होता है और पॉसिबल भी होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो या नए एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हो, अब हम वो चीज़ को देखेंगे। लेट्स से मैं बनाना की जगह ब्लूबेरी डालना चाहता हूँ, तो सिंपली तुम कैसे एक्सेस करते हो वैल्यू को, फ्रूट्स और इंडेक्स वन डालते, राइट। तो यहाँ पे तुम वैल्यू को चेंज कर दो, यहाँ पे जो भी तुम्हें वैल्यू डालनी है तुम ऐसे ब्लूबेरी लिखोगे और वो वहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मॉडिफाइंग का एग्जांपल। अब लेट्स से मुझे एक एलिमेंट और इसके अंदर डालना है, यहाँ पे मॉडिफाइंग एलिमेंट इन एरे, ओके। अगर इसको मैं फिर से प्रिंट करने की कोशिश करूँ, अगर ऐसे प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो तुम यहाँ पे देख सकते हो अब उस इंडेक्स पे ब्लूबेरी पड़ा है ना कि बनाना। अब लेट्स से मुझे एक आइटम और डालना है तो मैं यहाँ पे सिंपली पुश मेथड का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा, ठीक है। तो और अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा फ्रूट का चौथा इंडेक्स तो तुम देख सकते हो यहाँ पे, ओके 0 1 2 3, चौथा नहीं थर्ड, थर्ड देखोगे तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे डेट आ चुका है, ठीक है। तो आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आप ऐड कैसे कर सकते हो
पुश मेथड का यूज करोगे उससे आप ऐड कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि एक साथ मैं लूप कैसे कर सकता हूँ, मतलब एक लूप लगा के मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ या प्रिंट करा सकता हूँ सारी वैल्यूज जो कि मेरे अरे में प्रेजेंट है। तो अरे के हर एलिमेंट के साथ ना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लूप का यूज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर लूप होता है जो कि हमें पता है कैसे हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन फेज, उसके बाद हमारा कंडीशन वाला फेज आता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा आई है ना ये जीरो से स्टार्ट होए, फ्रूट्स की लेंथ तक तक ही जाए, और हर बार जब भी मेरा लूप का एक आइटरेशन खत्म होगा मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा। फ्रूट्स डॉट लेंथ हमको यहाँ पे इस अरे की लेंथ को रिटर्न, मतलब ये हमको उसकी लेंथ बता देगा कि अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और सिंपली तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैक टिक्स का यूज करके मैं यहाँ पे बैक टिक्स लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा आई प्लस वन इज टू डॉलर फ्रूट्स ऑफ आई। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो तुम देख सकते हो वन एप्पल, टू ब्लूबेरी, थ्री चेरी, फोर डेट। अगर मैं प्लस वन नहीं करता तो वो जीरो से स्टार्ट होता, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो अरे के इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको अगर तुम्हें एक्सेस करना है तो तुम उसे जीरो इंडेक्स करोगे, ठीक है। तो यहाँ सिंपली मैं वन से स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम यूजर को कुछ डेटा दिखा रहे हो तो फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करता है, राइट। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप का इस्तेमाल करा हर फ्रूट के नंबर और उसको हर जो भी फ्रूट था उसके अगेंस्ट एक नंबर साथ में प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन अरे मेथड्स व्हिच यू विल बी यूजिंग इन एवरीडे और डेली टू डेली प्रोग्रामिंग, ओके। सो जावास्क्रिप्ट अरेज में कई सारे मेथड्स होते हैं, हम आप कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को देखेंगे। एक मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसका नाम है पुश मेथड। ये अरे के एंड में एक नया एलिमेंट को ऐड कर देता है, ठीक है। इसका हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था फ्रूट्स डॉट पुश डेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में ये लिख देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। इसको हम देख चुके हैं तो इसको दोबारा नहीं देखेंगे। फिर एक हमारे पास आता है पॉप मेथड। तो पॉप मेथड क्या करता है, ये अरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। क्या करता है, रिमूव। तो अगर मैं इसको दिखाऊं अब तुम्हें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और मुझे ये मेथड रिटर्न भी करेगा। अगर तुम उसे प्रिंट कराना चाहते हो ना तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि फ्रूट्स डॉट पॉप, ठीक है। एंड अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ सी एल जी लास्ट फ्रूट, तो अब तुम्हें दिख रहा है लास्ट फ्रूट डेट है, तो अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो देखो तुम्हें डेट मिल जाएगा। अब तुम अगर ट्रैवर्स करके दोबारा से अपने अरे को प्रिंट करोगे यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो कि अब सिर्फ तीन एलिमेंट रह गए हैं। ये डेट जो था पहले जो अरे में हमने पुश करा था, अब हमने उसे पॉप मेथड के मदद से हटा दिया है, ठीक है। तो आई गेस ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब आती है बात शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड के बारे में, ठीक है। शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड क्या होता है, तो अगर मैं फ्रूट्स डॉट शिफ्ट लिखूं, अगर मैं फ्रूट्स डॉट शिफ्ट लिखूंगा, ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड मुझे सबसे पहला एलिमेंट अरे का हटा देगा, ठीक है। यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ रिमूव्स फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने फ्रूट्स को प्रिंट करूँ, यहाँ पे डाल देते हैं फ्रूट्स, ठीक है, एक बार इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अब सिर्फ ब्लूबेरी और चेरी रह चुका है यहाँ पे, और एप्पल जो फर्स्ट एलिमेंट था वो अब नहीं रह गया। तो एक तरीके से तुम कह सकते हो कि हमने अपने अरे को राइट साइड शिफ्ट कर दिया जहां पे हमने फर्स्ट एलिमेंट को हटा दिया, ठीक है। अगर अब मैं दोबारा से करना चाहता हूँ तो अब ये अनशिफ्ट मेथड का मैं यूज कर सकता हूँ और स्टार्टिंग में मैं दोबारा एप्पल डाल सकता हूँ। सो दिस मेथड ओवर हियर विल एड एप्पल एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो अगर अब हम इसे सेव करेंगे तो तुम देख सकते हो, ओके, मैंने प्रिंट नहीं करा, इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखो एप्पल दोबारा स्टार्टिंग में आ चुका है, ठीक है। तो आई होप ये मेथड तुम्हें समझ में आ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स की मदद से हम इन मेथड्स का यूजेज देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको और डीप पढ़ना है इनको तो आप सिंपली क्या करोगे, जाओगे MDN जावास्क्रिप्ट डॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हर एक मेथड के बारे में दे रखा है। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, किसी मेथड का एग्जाम्पल देखना है या कुछ भी पढ़ना है, तो ये बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है जो मुझे अभी तक लगी है। तो आप इसको जाओ एक बार देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी चाहिए, ठीक है, तो एक बार जाके उसको एक्सप्लोर करो। तो नेक्स्ट मेथड अब जो हम देखने वाले हैं वो है स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड क्या करेगा, ये अरे के अंदर ना अरे में किसी भी पोजिशन पर एलिमेंट को एड या फिर रिमूव कर सकता है स्प्लाइस मेथड। तो अब इसका एग्जांपल देखता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस,
अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ब्लू बेरी को मैं रिमूव कर दूँ और इसकी जगह मैं ब्लैक बेरी और कैंटलूप दो नए फ्रूट्स ऐड करूँ। लेकिन मैं इस इंडेक्स पे जाता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स वाला मैं फ्रूट हटा दूँ और दो और डाल दूँ। तो अब मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को, तो अब मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता। तो ऑब्वियसली मैं डॉक्यूमेंटेशन में जा सकता हूँ, वरना मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर होवर करूँगा ना, तो तुम इसके इसका एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है यहाँ पे, तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम एन अरे एंड इफ नेसेसरी इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स इन देयर प्लेस रिटर्निंग द डिलीटेड एलिमेंट्स। अब ये तुम स्लाइस में था, देखो स्टार्टिंग में ये कह रहा है स्टार्ट जो कि नंबर टाइप होगा, उसके बाद डिलीट काउंट, ये एक अगर है, अगर तुम डिलीट करना चाहते हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी तुम मतलब जो भी तुम उसके बाद डालना चाहते हो वो तुम डाल सकते हो अगर नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो। तो यहाँ पे उसके बारे में देखो तुम्हें डिस्क्रिप्शन भी नीचे दे रखा है, ठीक है। और ये मेथड हमको रिटर्न भी करता है एन अरे कंटेनिंग द एलिमेंट्स दैट वर डिलीटेड, ओके। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले हमें ये बताना है। तो मैंने कहा, क्या कहा था तुम्हें, मैं चाहता हूँ कि मेरा ना ये ब्लूबेरी जो है ये हट जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2.1 एंड यहाँ पे फिर मैं ब्लूबेरी डालना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं कैंटलूप डालना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे कॉमा लगेगा ना कि डॉट, एंड उसके बाद मैं सिंपली अपने फ्रूट्स को प्रिंट कराऊंगा और तुम अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एप्पल ब्लूबेरी ब्लूबेरी कैंटलूप। तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, इसको ब्लूबेरी तो ऑलरेडी था ना, तो ब्लैकबेरी डालेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास है एप्पल ब्लूबेरी ब्लैकबेरी कैंटलू। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने इसको क्या दिया, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया। स्टार्टिंग इंडेक्स सबसे पहले हमने क्या दिया, 2, तो 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या कहा है, इसके बाद मैंने इसको डिलीट काउंट दिया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रिमूव। तो मैंने यहाँ पे ना इस इंडेक्स में जाके एक एलिमेंट हटा दिया, दैट वॉज चेरी, चेरी हटा दिया और उसके बाद ये दो एलिमेंट्स डाल दिए। तो आई होप स्लाइस मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे स्लाइस मेथड के बारे में, स्लाइस और स्लाइस दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो स्लाइस मेथड में ना अरे के कुछ हिस्से को अलग अरे में कॉपी करेगा, ठीक है, में कॉपी करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ const summer fruits नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ fruits.slice 1, 3, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये जो फ्रूट्स अरे है इसमें से फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं मैं एक नया अरे चाहता हूँ, मतलब मुझे उसमें से एक अरे निकाल के दे दो, या फिर तुम सब अरे कह सकते हो इस चीज को, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सबस्ट्रिंग देखा था ना वैसे। तो अब अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो तुम देख सकते हो ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी, ठीक है। तो ये जो एंडिंग इंडेक्स होता है जो कि वो एक्सक्लूसिव होता है, उसे काउंट नहीं करते, तो हमारे पास इसलिए ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी आया है, ठीक है। तो अब तुम इसको भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन अरे फॉर बोथ स्टार्ट एंड एंड, अ नेगेटिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी यूज विच विल बी लाइक इट्स एन ऑफसेट फ्रॉम द एंड ऑफ द अरे। इस बात का मैं मतलब समझाता हूँ, अगर तुम रिवर्स में प्रिंट कराना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो -1, -1, इसको कैंटलूप को डिनोट करेगा, -2, -3, -4। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल -2 रिफर्स टू द सेकेंड टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। और फिर इसको दो पैरामीटर्स चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग। बिगिनिंग इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द अरे, इफ द स्टार्ट इज अनडिफाइंड देन द स्लाइस बिगिंस एट इंडेक्स 0। मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम्हें स्टार्ट इंडेक्स तुम बताते नहीं हो और वहां पर अनडिफाइंड इंटर मतलब पास करते हो तो ऑटोमेटिकली वो जीरो से स्टार्ट होगा, और अगर तुम एंडिंग नहीं बताते हो तो वो भी वो एंड तक कंसिडर कर लेगा उसको, ठीक है। तो आई गेस स्लाइस मेथड भी हमको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, अब बहुत जगह तुम लोग एक चीज देखोगे जब किसी और का प्रोग्राम पढ़ लोगे या डेवलपमेंट में, हम क्या करते हैं बहुत बार ना एक फॉर लूप का वेरियंट यूज करते हैं, दैट इज फॉर ईच लूप, ठीक है। तो अब हम इस बारे में बात करेंगे, ये मेथड्स ना अरे के हर एलिमेंट के साथ हमें कुछ ऑपरेशन करने की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो मैं सिंपली फॉर लूप लगा के भी कर सकता हूँ, बट फॉर लूप में क्या है कि तुम सिंपली प्रिंट या फिर तुम्हें बहुत बड़ा लॉजिक लिखना पड़ेगा या फिर कोई फंक्शन उसमें बार बार कॉल करना पड़ेगा। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक आसान सिंटैक्स होता है जहाँ पर हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच लूप, ये बस फ्रूट्स डॉट फॉर ईच मेथड जो है ये, यहाँ पे ना तुम एक अंदर कॉल बैक फंक्शन लिखोगे, कॉल बैक फंक्शन कह लो या फिर कॉल बैक फंक्शन ही कहते हैं वैसे तो इसको, ठीक है।
और कुछ आसान, अभी के लिए इसको ऐसे समझते हैं, फॉर ईच के अंदर तुम एक डायरेक्टली फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हर एक एलिमेंट जो कि फ्रूट्स अरे के अंदर पड़ा हुआ है उसमें ये फंक्शन, उसके ऊपर ये फंक्शन को परफॉर्म करा जाएगा। अब इसके अंदर, ये फ्रूट्स के अंदर मुझे क्या क्या मिलने वाला है, इस मेथड के अंदर मेरे पास क्या क्या पैरामीटर होंगे, एक तो वो जो करंट फ्रूट है, मैं फ्रूट लिख देता हूँ उसको डायरेक्ट, और इंडेक्स जिस करंट एलिमेंट पे मैं हूं। तो अगर मैं यहाँ पे भी कुछ अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, सिंपली एक तुमको दिखाता हूँ फ्रूट प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा, तो इंडेक्स प्लस वन कॉलन एंड देन डायरेक्टली मैं अपने फ्रूट को प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाना जरूरी है, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो तुम देख सकते हो फ्रूट वन एप्पल, फ्रूट टू ब्लूबेरी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये फॉर ईच लूप क्या कर रहा है, इस चीज को हर एक एलिमेंट जो कि मेरा अरे के अंदर है उसके लिए ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे मैप मेथड, फिल्टर मेथड, फाइंड मेथड और रिड्यूस मेथड, जो कि आप लोग बहुत बार अपने जब आप डेवलपमेंट कर रहे होगे तो इन मेथड्स को यूज करोगे। तो चले चलो इन एडवांस अरे मेथड्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैप मेथड के बारे में। तो अरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है, और एक नई अरे को रिटर्न करेगा, एक नई अरे को रिटर्न करेगा। तो चलो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं क्या चाहता हूँ, ये एक यहाँ पे जो मैंने ये अरे बनाया है इसके अंदर कौन सा टाइप है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने यूजर को ये फ्रूट प्रिंट करने की जगह मैं चाहता हूँ कि हर एक स्ट्रिंग जो भी हर एक फ्रूट है उसकी उसकी जो लेंथ है, उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको मैं काउंट करके यूजर को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फ्रूट लेंथ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, ये जो मैप मेथड है ये मुझे एक क्या करेगा, ये मैप मेथड क्या करेगा, ये हर एक, ये मेरे पास एक फ्रूट्स अरे है उसके ऊपर मैं मैप मेथड को लगा रहा हूँ, और जो ये मैप मेथड है एक इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, और वो हर एक एलिमेंट पे वो फंक्शन लगाएगा और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो एक नई अरे के फॉर्म में हमको वापस करेगा, ठीक है। तो चलो इस चीज को देखते हैं। अब मैंने तुमको कहा कि मैं लेंथ प्रिंट कराना चाहता हूँ हर एक फ्रूट पे, तो यहाँ पे मैं एक सिंपली अपना एरो फंक्शन का यूज करूंगा अंदर, ठीक है, क्योंकि एक लाइन का कोड है तो मैं कोई ब्रैकेट वैकेट यूज नहीं करूंगा, और सीधा मैं लिख दूंगा फ्रूट डॉट लेंथ, दैट्स इट। बस इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये एक लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ और तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो 5 9 10 10, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये चीज क्लियर आ गई, ये एक अरे है हमारे पास, ठीक है। ये मैप मेथड क्या कर रहा है, हर एक जितने भी मेरे पास फ्रूट्स हैं उस अरे में, जितनी भी एंट्रीज हैं उस सब पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया अरे बना रहा हूँ, और सबके अंदर मैं उनकी लेंथ को स्टोर कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, लेंथ जो ये लेंथ है डॉट लेंथ, जब तुम लगाओगे तो तुमको उसकी लेंथ मिल जाएगी किसी भी स्ट्रिंग पे तुम लगाओगे तो, ठीक है। तो आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी, मैप मेथड कैसे यूज करना हमें पता चल गया होगा, ठीक है, कौन से सिनारियोज में आप इनको यूज करना चाहते हो, जब आप कोई भी फंक्शन किसी अरे पे लगाना चाहते हो हर एक एलिमेंट के लिए, और एक नए अरे में रिजल्ट चाहते हो तो आप मैप मेथड का यूज करोगे। सिमिलरली हमारे पास एक फिल्टर मेथड होता है। अभी फिल्टर मेथड क्या होता है, इसमें हम ना कुछ कंडीशंस को सैटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ ये जो फ्रूट लेंस है ना, मैं क्या चाहता हूँ, जो भी फ्रूट्स जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 5 है वही मैं उस अरे में चाहता हूँ। तो अब मैं फिल्टर मेथड का यूज करूंगा, ठीक है, फ्रूट्स डॉट फिल्टर फ्रूट, यहाँ पे फ्रूट मेरा पैरामीटर होगा, एक ही लाइन का कोड है तो इसलिए हम अपने ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फ्रूट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5। तो ये मेरी कंडीशन हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी कंडीशन हो गई यहाँ पे। एंड अगर अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो 9 10 10 ग्रेटर देन 5 था, राइट, तो यहाँ पे ब्लूबेरी ब्लैकबेरी और कैंटलूप आ गया। अगर मैं इसको 9 कर दूं तो ये आखिरी के दो आने चाहिए, ब्लैकबेरी और कैंटलूप, राइट। देखो तो आई गेस ये चीज भी क्लियर हो गई, इसको अगली लाइन में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छे से इस चीज को तुम देख सको, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर मेथड का हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने कंडीशन बता दिया कि ये जो ये वाली कंडीशन जिस जिस ग्रुप पे अप्लाई हो रही है वही एलिमेंट्स मेरे नए एरे में होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फाइंड मेथड। इस मेथड से हम अरे में स्पेसिफिक कंडीशन को सैटिस्फाई
करने वाले पहले एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। जब लेट्स से कोई कंडीशन है और उसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ हर एक एलिमेंट पर, और जो सबसे पहला एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करेगा वो एलिमेंट मुझे मिल जाए। तो अब एक फ्रूट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम, फ्रूट डॉट फाइंड मेथड लगाएंगे और हर फ्रूट पे मैं क्या चाहता हूँ ये एक कंडीशन चेक होए। तो हमारे पास ना एक स्टार्ट्स विद मेथड होता है जो कि हम स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग टाइप का है जिसमें मेरे पास सारी वैल्यू सारी जो एंट्रीज हैं वो स्ट्रिंग की हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी फ्रूट जो बी लेटर से स्टार्ट होता है वही इस अरे में होना चाहिए, ठीक है। एंड में मैं इसको सीधा सीधा प्रिंट कराना चाहता हूँ, फाइंड फ्रूट, सेव करेंगे और हमारे पास सबसे पहली एंट्री इस अरे में एप्पल, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, कैंटलूप में सबसे पहला फ्रूट ब्लूबेरी था जो कि ब्लू से स्टार्ट होता है, तो इसलिए मुझे ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद आता है रिड्यूस मेथड। अब इसको समझते हैं, रिड्यूस मेथड में क्या होता है, हम अरे के सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल वैल्यू में, एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से तुम क्या चाहते हो, तुमने जो लेंथ फ्रूट की लेंथ वाला अरे बनाया था, तुम चाहते हो कि नहीं यार मैं चाहता हूँ कि टोटल जितने मतलब सारे फ्रूट्स की जितनी भी लेंथ है उनको मैं प्लस करके मुझे वो वैल्यू मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली एक वेरिएबल बनाऊंगा टोटल फ्रूट लेंथ, ठीक है, और मैं फ्रूट डॉट रिड्यूस मेथड का यूज करूंगा। इसके अंदर ना हमारे पास दो पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या, अब ध्यान से देखना। एक होगा हमारा टोटल, जो ये टोटल ही हमको बताएगा कि कितना हमारा मतलब, क्योंकि तुम एक वेरिएबल में रिड्यूस कर रहे हो, राइट। तो एक वेरिएबल होगा हमारा फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, हर एक इस अरे के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब पे हम क्या करेंगे, उन सब पे जाएंगे, जो भी उनकी लेंथ होगी उसको इस टोटल वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो लेंथ मुझे कैसे मिलेगी उस फ्रूट की, फ्रूट डॉट लेंथ मेथड से, राइट। और मैं टोटल में स्टोर कराना चाहता हूँ तो प्लस कर दूंगा टोटल में, ओके। अब इस टोटल की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है तो मैं कॉमा जीरो लिख दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ये मेथड काम करेगा और यहाँ पे मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तो तुम देख सकते हो 34 हमारा आंसर आ चुका है, 20 + 9 = 29, 29 + 5 = 34। तो यहाँ पे हमने क्या करा, रिड्यूस मेथड का यूज करा। और तुम जब इस पे होवर करोगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें कॉल बैक फंक्शन दिख रहा होगा। एक कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं ये हम आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी के लिए बस हम तुम ये समझ लो कि एज अ पैरामीटर में यहाँ पे ना एक सिंपली एक यूटिलिटी फंक्शन या फिर एक हेल्पर है जो कि मतलब एक कंडीशन डिफाइन करें, बस अभी के लिए ये समझते हैं। कॉल बैक फंक्शन नाम से मतलब डरना मत, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो रिड्यूस मेथड में हम क्या करते हैं, कभी भी अरे के जितने भी एलिमेंट्स अरे में पड़े हुए हैं उनको अगर हमें सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करना है तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल और फ्रूट आई गेस समझ में आ गया होगा, टोटल में हमारी टोटल वैल्यू है, ये जो जीरो मैंने कॉमा लगा के लगाया है ये तुम्हारी इनिशियल वैल्यू है टोटल की, ठीक है। और यहाँ पे फ्रूट डॉट लेंथ मैं हर बार टोटल में प्लस करता हुआ जा रहा हूँ जैसे जैसे मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, और आखिरी में ये हमारी टोटल वैल्यू हमें इसमें मिल जाएगी और ये हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। तो अगर मैं इस पर होवर करूँगा तो तुम इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है, रिटर्न वैल्यू ऑफ द कॉल बैक फंक्शन इज द एक्यूमुलेटेड रिजल्ट एंड इज प्रोवाइडेड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द नेक्स्ट कॉल टू द कॉल बैक फंक्शन। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन था और इसलिए मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर मैंने ये पास कर रखा है, ठीक है, टोटल, ठीक है। तो आई गेस ये चीज क्लियर होगी। तो अब हम क्या करें, एक एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। तो लेट्स से तुम्हारे पास एक कॉन्स्ट यूजर्स, ठीक है, एक अरे बनाता हूँ और इस अरे के अंदर ना हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेम इज टू अमित, ठीक है, इसको मैं अमित कर लेता हूँ, यूजर नेम, ठीक है, इसको यूजर नेम लिख देता हूँ, यूजर नेम इज इक्वल टू अमित और इसकी एज है 30। सिमिलरली मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पे प्रिया रख देते हैं और इसको 25 कर लेते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक ऐसा अरे चाहता हूँ जिसमें ये ऑब्जेक्ट ना हो और सिर्फ यूजर नेम हो। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट ना हो और सिर्फ यूजर नेम हो, तो क्या इनमें से कौन सा मेथड मैं यूज करूँ, मैप मेथड यूज कर सकता हूँ जहाँ पे हमें ये नई अरे रिटर्न करेगा, राइट, हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं मेरे को ये समझ में आ रहा है अगर मैं ऐसा लिखूं कॉन्स्ट यूजर नेम्स इज इक्वल टू यूजर्स डॉट मैप
और मुझे पैरामीटर में ये जो वेरिएबल होता है ये आप क्या कर रहे हो, ये आपकी करंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूजर्स अरे पे आइट्रेट कर रहा हूँ, और जब हम आइट्रेट कर रहे हैं तो हम जब एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं किसके रेफरेंस में करूंगा, मुझे कुछ चाहिए होगा ना जिससे मैं डिनोट कर सकूँ, तो ये मेरा करंट आइट्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो मैं करंट आइट्रेशन में क्या चाहता हूँ कि हर बार जब भी मैं एक एंट्री पे जाऊँ तो उस ऑब्जेक्ट से ना मैं उसका नेम निकाल लूँ। तो सिंपली यार तुम यहाँ पे यूजर डॉट यूजर नेम लिखोगे तो तुम्हारे नया अरे जो तुम्हें मिलेगा उसमें सिर्फ उसकी यूजर नेम होगी। तो अगर अब तुम इस अरे को प्रिंट करोगे और चेक करोगे तो तुम देख सकते हो हमारे पास अमित और प्रिया आ चुका है। तो कितना आसान था ये, राइट। तो अब इसका ये रियल लाइफ एग्जांपल कैसे हुआ, लेट से तुम्हारे पास डेटाबेस है, तुम्हारी एक वेबसाइट है उस पर बहुत लोगों ने लॉग इन करा, तो तुमने लॉग इन करा होगा तो उनका नेम एड्रेस पिन कोड बहुत सारी चीजें होंगी। तो ऑब्वियसली तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा जिसमें तुमने हर एक यूजर की पूरी एक डेटा रख रखी होगी, राइट। उसमें उसके बारे में सारी चीजें होंगी, तो उसमें से तुम क्या चाहते हो, एक अरे बना लो और सबका यूजर नेम उस अरे में स्टोर करते जाओ वन बाय वन। तो तुम वहां पे मैप मेथड का बहुत आसानी से यूज कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। और ये देखो ये इतना बड़ा चीज तुमने सिर्फ एक लाइन में कर ली, ठीक है। तो आई गेस हमने बहुत सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करी हैं, एंड आई रिकमेंड दैट प्लीज चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन वंस, या फिर जो हमने इस यहाँ पे डिस्कस करा है एक बार खुद से जाके इसको एक्सप्लोर करो, खुद से टाइप करके देखो, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी जानना है एक्स्ट्रा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और अरे आपको जावास्क्रिप्ट जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, अगर आप इनको अच्छे से समझोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे बाद में, ठीक है। तो अगली बार हम और भी एक्साइटिंग जावास्क्रिप्ट फीचर्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।